उत्तर प्रदेश में लगातार कोहरे का तांडव जारी है। कोहरे के साथ साथ मौसम में गलन भी बढ़ गई है। बताते चलें, बीते कई दिनों से सुबह व शाम के समय कोहरे के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है आने वाले कुछ दिनों में कोहरे का कोहराम ऐसे ही जारी रहेगा। मौसम की मार से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर आपको लोग आग सेकते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं चाय की दुकानों पर भी मौसम का एंजॉय करने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस ठंड के मौसम को गंभीरता से लेने की जरूरत है। बुजुर्ग व बच्चों के लिए यह मौसम खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में बुजुर्ग व बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। अगर आवश्यकता है तो उन्हें गर्म कपड़े पहनाकर ही बाहर निकाला जाए। क्या नाम है सर? संतोष। संतोष, कोहरा कैसा पड़ा था आज? क्या व्यवस्था है? कोहरा साहब खूब जोर का पड़ा था। पहली बार मतलब सुबह बहुत खतरनाक कोहरा था। तो प्रशासन द्वारा कोई अलाव की व्यवस्था कराएगी? कोई नहीं कराएगी। कोई नहीं है? कोई नहीं। अलाव कैसे जला दो आप? हम तो मतलब जो है बिन माने की लकड़ी जो लेके आए हैं और पीछे से बिन माने की जब आँच जलाई हमने। तो ठंड कैसे पड़ी है इस बार? ठंड आज तो पहली बार इतना नहीं पड़ी है, पहले तो बहुत कम ठंड थी। आज कर्रा कोहरा हो रहा है। कर्रा कोहरा है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जिस तरह जगह सारी सर्दी पड़ती थी जो कोहरे के लिए अलाव जलवाए जाते थे चौराहे चौराहों पे। नहीं, अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। पहली बार कोहरा पड़ा है ना। तो क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? व्यवस्था तो होनी चाहिए।